डियर स्टूडेंट, पूर्व के वीडियो में हमने पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन यानी कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषाओं की चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्वों की बिंदुवार चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में भी बताया जा चुका है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न एजेंसी, मीडिया और अनेक तरह की अन्य कम्युनिकेशंस का प्रभाव पड़ता है। यूं तो हम आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों को एक सूची में नहीं बांध सकते, परंतु जो कारक राजनीतिक व्यवस्था के आर्थिक हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पक्ष से जिनका संबंध होता है, वो सभी राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक संरचनाएं यहाँ हम चर्चा करेंगे। जैसे जिन संरचनाओं का स्वरूप परंपरावादी होता है, वहाँ पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की गति धीमी होती है। जैसे नेपाल का उदाहरण लिए, नेपाल में परंपरागत तरीके से राजनीतिक संरचनाएं कार्य करती हैं, इसलिए वहाँ पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की गति धीमी है। इसके विपरीत भारत में राजनीतिक संरचनाओं की नवीन जो प्रकृति है, वो राजनीतिक आधुनिकीकरण की दिशा में राजनीतिक व्यवस्था को ले जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था परंपरागत राजनीतिक संरचनाओं और बंधनों से जकड़ी हुई हो, वहाँ पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया देरी से आती है। जैसे पश्चिमी देशों की हम चर्चा करें, बात करें, तो उसमें अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में इसका अभाव होने के कारण, मतलब किसका, परंपरावादी संरचनाओं का अभाव होने के कारण वहाँ तीव्रता से राजनीतिक विकास देखने को मिलता है। और राजनीतिक विकास का अर्थ है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की तीव्रता देखने को मिलती है। दूसरा कारण हम यह चर्चा करेंगे, राजनीतिक संस्कृति। क्योंकि राजनीतिक संस्कृति की जो है वो लौकिकीकरण रूपी राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण पर दीर्घकालीन जो प्रभाव है राजनीतिक संस्कृति का ही पड़ता है। जैसे परंपरावादी संस्कृति वाले देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण का मार्ग कठिन होता है, क्योंकि जनता परंपरावादी नेतृत्व संरचनाओं से जुड़ी रहती है। जैसे भारत में स्वतंत्रता के समय हिंदू कोड बिल की कुछ व्यवस्थाओं को वापस लेना पड़ा, क्योंकि जनता उन व्यवस्थाओं के पक्ष में नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो परंपरावादी राजनीतिक संस्कृति के कारण ऐसा हुआ था। तो इसलिए परंपरावादी राजनीतिक संस्कृति के कारण भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो स्वरूप होता है वो बदल जाता है। तीसरा बिंदु आता है हमें इसमें कि ऐतिहासिक काल नियति का संबंध राजनीतिक आधुनिकीकरण से होता है। जैसे कि किसी भी राजनीतिक परिवर्तन को इतिहास की कालचक्र से अलग देखना असंभव है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए उचित समय होता है। यदि उस समय के विपरीत कार्य नहीं किया गया, कार्य किया जाता है, तो वह पतन का कारण बन जाता है। जैसे यदि भारत को स्वतंत्रता 1857 में मिल जाती, तो संविधान निर्माता और उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होता, जो 1947 में था। यदि भारत का संविधान 1950 के स्थान पर 1980 में बनाया गया होता, तो भी परिस्थितियां अलग होने के कारण संविधान का स्वरूप अलग होता। इसी तरह से पंचायती राज अधिनियम 1992 की बजाय 1948 में बनाया गया होता, तो उसका रूप अलग होता। इसलिए ये माना जाता है कि राष्ट्रीय इतिहास और विश्व इतिहास की जो धाराएं हैं, वो राजनीतिक संस्थाओं को आधुनिक भी बना रही है और उनको आधुनिक बनने में बाधक भी हो रही है। तो इस तरह से ये माना जा सकता है कि जो इतिहास की जो उस वक्त की जो परंपराएं थी, जो संस्कृति थी, वह भी आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक भी बन सकती हैं और उसको आगे की ओर भी ले जा सकती हैं। अगला बिंदु आता है राजनीतिक नेतृत्व।
राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति भी राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित या अवरोधित दोनों करने वाली होती है। जैसे राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्व में अभिमुखीकरण पर आधारित होती है। यदि किसी देश के राजनेता राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए प्रयासरत हैं, तो वहाँ पर राजनीतिक आधुनिकीकरण को आने से नहीं रोका जा सकता है। लेकिन अगर वो पुरानी चीज़ों को ही पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उन फिर राजनीतिक आधुनिकीकरण का आना मुश्किल हो जाता है। जैसे चीन में माओ ज़ेडुंग द्वारा सांस्कृतिक क्रांति को सफल बनाना राजनीतिक आधुनिकीकरण का ही प्रयास था। इसी तरह से रूस में लेनिन द्वारा साम्यवादी शासन स्थापित करना राजनीतिक आधुनिकीकरण का ही प्रयास था। लेकिन कई जो विकासशील देश हैं या एशिया और अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर राजनीतिक नेतृत्व की उदासीनता के कारण ही राजनीतिक आधुनिकीकरण का मार्ग अवरोधित हो रहा है। तो इस तरह से जो है वो राजनीतिक नेतृत्व, अब हम वर्तमान में मान लो बात करते हैं मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार भी लगातार नए इन्वेंशंस करके नई नई शासन व्यवस्थाओं में परिवर्तन ला करके देश को राजनीतिक आधुनिकीकरण की ओर ले जा रही है। तो फिर आता है अगला बिंदु, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। जैसे कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था वाली राजनीतिक व्यवस्था हमेशा ही क्या होती है, जनता के हित के लिए कार्य करती है और वह राजनीतिक आधुनिकीकरण की तरफ हमेशा अपने कदम बढ़ाने का प्रयास करती है। दूसरी तरफ सर्वाधिकारवादी हो या निरंकुश राजनीतिक व्यवस्था, ये हमेशा राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधा पहुंचाती है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में तो क्या होते हैं, हम सभी जानते हैं, इनपुट आउटपुट का एनालिसिस हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है कि इनपुट के रूप में लोकतंत्रीय व्यवस्था में डिमांड एंड सपोर्ट सिस्टम में आते हैं, जिसके कारण जो सिस्टम होता है वो बहुत एफिशिएंटली काम करता है। और जितना सिस्टम एफिशिएंटली काम करेगा उतना ही वो जो देश है वो आधुनिकीकरण की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जितनी जन सहभागिता बढ़ेगी उतना ही राजनीतिक आधुनिकीकरण की तरफ जो है वो राह आगे बढ़ जाएगी। इसके विपरीत सर्वाधिकारवादी या निरंकुश शासन व्यवस्थाएं राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो इस विश्लेषण से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राजनीतिक संरचनाओं की प्रकृति, राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप, ऐतिहासिक काल में आती राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति तथा राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, ये सब क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख नियामक हैं। और जो कि विकासशील देशों में परंपरागत राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक नेतृत्व की उदासीनता के कारण राजनीतिक आधुनिकीकरण का मार्ग बाधित हो रहा है। आज विश्व में अनेक सर्वाधिकारवादी प्रकृति की रचनाएं विद्यमान हैं जो राजनीतिक आधुनिकीकरण के भविष्य को अंधकारमय बना रही है। इसीलिए यह माना जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक आधुनिकीकरण अपने पर्याप्त स्वरूप को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। अब है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण को लाने वाली कौन कौन सी एजेंसीज हैं, तो इसमें हम मुख्य एजेंसीज की चर्चा करेंगे, जिसमें इलीट ग्रुप कहते हैं उसे या अभिजन वर्ग। अभिजन वर्ग क्या होता है कि समाज की परंपरागत मान्यताओं को आधुनिक रंग में रंगने का प्रयास करता है। जैसे विकासशील देशों में एक वर्ग ने पश्चिम की राजनीतिक संरचनाओं को अपनाकर अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था के लक्ष्यों, उद्देश्यों, साधनों के विकल्प इस वर्ग द्वारा, इलीट ग्रुप द्वारा सुझाए जाते हैं, जिससे राजनीतिक शक्ति को संरचनात्मक स्वरूप दिया जा सके। दूसरी बात होती है कि जो अभिजन वर्ग होता है वो वर्तमान आवश्यकताओं को, सामाजिक आवश्यकताओं को पहचान कर उनका राजनीतिक व्यवस्था में अनुसरण करके राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करता है। दूसरी बात है, जिन देशों में इस ग्रुप के प्रति अरुचि दिखाई जाती है, ज़्यादातर वहाँ पर क्या होता है कि वो उन व्यवस्थाओं का पतन ही हुआ है। कई बार क्या होता है कि राजनीतिक जो ये अभिजन वर्ग होता है वो कई बार सिस्टम को इतना दूषित कर देते हैं या इतना गलत मैसेज फीड कर देते हैं, जिससे भी राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है वो नहीं हो पाता है। ये उनकी नकारात्मक अप्रोच कही जा सकती है। तो इस तरह से ये माना जा सकता है कि अभिजन वर्ग जो होता है वो नकारात्मक व सकारात्मक दोनों काम करता है।
दूसरा इसमें आता है सरकार। सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो है सरकार स्पेसिफिक तरीके से काम करती है। दूसरी बात यह होती है कि सरकार ही आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियों को पहल करती है, उनका नेतृत्व करती है। सरकार के द्वारा ही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रों में प्रगति के द्वार खोलकर राजनीतिक आधुनिकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। प्रतिनिधि संस्थाओं में जनता की बढ़ती भागीदारी आज राजनीतिक शक्ति की इच्छा का ही परिणाम है। इसलिए जो ये सरकारें होती हैं वो राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रमुख अभिकरण कही जा सकती हैं। तीसरा आता है राजनीतिक दल। राजनीतिक व्यवस्था का जो कुशल संचालन है वो राजनीतिक दलों के माध्यम से संपन्न होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो है वो राजनीतिक दल एक सत्ता में आता है, एक विपक्ष में बैठता है, तो वो क्या करते हैं कि वो सरकार पर अपनी एक कमान कस के रखते हैं। सर्वाधिकारवादी देशों में साम्यवादी दल ही राजनीतिक आधुनिकीकरण का नियामक होता है। राष्ट्रीय हित के अनुकूल विचारधारा विकसित करने तथा जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व होता है। और यही राजनीतिक चेतना जन सहभागिता में वृद्धि करके लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। अगला आता है विचारधारा। कि विचारधारा को असली जो रूप है, जामा पहनाने का कार्य राजनीतिक दल और हित समूह द्वारा किया जाता है, क्योंकि किसी भी राज्य में, देश में राजनीतिक दलों के माध्यम से जो विचारधारा है वो फैलाई जाती है। और ये जैसे हिंदुत्व की विचारधारा हुई, या देश प्रेम की विचारधारा हुई, या किसी भी मुद्दे को लेकर के जो बात की जाती है वो विचारधारा का रूप होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि विचारधारा का जो प्रसार प्रचार है वो आधुनिकीकरण के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मीडिया के द्वारा भी जैसे कि जनता को पता रहता है कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, या सरकार जैसे कोई भी जो नई पॉलिसीज आती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो आती हैं, वो संचार साधनों द्वारा ही प्रसार किया जाता है और वह राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में कार्य करती है। फिर है कि शिक्षा के प्रसार द्वारा भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का कार्य किया जाता है, कि नूतन प्रवृत्तियां इस मार्ग में अपना मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो इन जनरल सी जो बात यहाँ पर हमें समझ में आ रही है वो ये है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण वास्तव में एक विकास का ही एक बढ़ा हुआ स्वरूप है, उसकी गति ही है। कि राजनीतिक आधुनिकीकरण जनसंचार के साधनों, अभिजन वर्ग से, विचार राजनीतिक दल से, इन सभी से जो राज्य में जो एक गति प्राप्त होती है वह राजनीतिक आधुनिकीकरण का रूप ले लेती है। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसी अघोषित समस्याएं हो जाती हैं जिसके कारण ये अब जो ये एजेंसीज होती हैं वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है, क्योंकि कई बार परंपरावादी जो संस्कृति होती है या विचारधाराएं होती हैं या एलीट ग्रुप होता है तो वो राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर देता है। तो इन बाधाओं को दूर करके किसी भी राज्य को आगे बढ़ा करके राजनीतिक आधुनिकीकरण की ओर ले जाया जा सकता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।